छोटे जी एसके न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या ये जो बातें आ रही है सामने, ये क्या सत्य है? निश्चित तौर पे ऊर्जा सुधार बिल 2003 जो केंद्र सरकार ने नियम बनाया, कानून पास किया, उसके अंतर्गत सभी राज्य के विद्युत मंडलों को कंपनी मतलब विखंडन करना जरूरी है। फ्रेंचाइजी को देना उसमें शर्तें हैं कि आप प्राइवेट कंपनी को देके इसमें सुधार करेंगे, विद्युत ऊर्जा जो कंज्यूमर को उपभोक्ताओं को सही बिजली मिले उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कानून बनाया उसमें उसके अंतर्गत ये विखंडन की प्रक्रिया चल रही है, उसी के अंतर्गत ये राज्य विद्युत मंडल को तोड़ के खत्म समाप्त करके और 5 कंपनियां बनाई गई। तो केंद्र सरकार का भी दबाव है शासन के ऊपर। हम आपके चैनल के माध्यम से शासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इतना अच्छा उत्पादन सारणी का इतिहास रहा है, पावर हाउस का एक इतिहास रहा है, पिछले 10 सालों से 75% से ज़्यादा उत्पादन किया है ओरिजन, तो ऐसे पावर हाउस को प्राइवेट के हाथों में नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि ये प्राइवेट के हाथों में या संयुक्त उपक्रम के साथ में चलाते हैं तो निश्चित ही विद्युत दर महंगी होगी, लगभग 15% तक रेट इसके बढ़ेंगे। और हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमारे मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी जो है प्रदेश में, ऐसे हमारे अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ राष्ट्रीय स्तर में है 17 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो इनके माध्यम से हम एक विशाल प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे और इसमें हम आम उपभोक्ताओं को भी शामिल करेंगे, उनको जागृत करेंगे कि आपका इसमें क्या अहित होने वाला है, क्या आपको बिजली के बढ़ोतरी का भार पड़ने वाला है। तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर यदि मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाए, कर्मचारियों की कमी संख्या की कमी को पूरा किया जाए, तो निश्चित तौर पर सारणी पावर हाउस का उत्पादन फिर पुनः 80-85-90 तक जा सकता है। आज जो आम सभा हुई है इसमें कितने संयुक्त संगठन, जो संयुक्त रूप से हम बात कर रहे हैं, कितने संगठन आपके साथ हैं? 9 या 10 संगठन लगभग है आपके साथ है जी। अच्छा, हम एक बात और जानना चाहते हैं, इसमें अधिकारी और कर्मचारी की जहां तक बात आती है तो अधिकारी संगठन कर्मचारी संगठन दोनों काफी अलग अलग तरीके से अपने कार्य करते हैं, तो क्या अधिकारी संगठन आपके साथ में है? नहीं, अभी स्पष्ट रूप से ये स्थिति कोई आंदोलन तक नहीं जा पहुंची, एक समाचार पत्रों के माध्यम से ये विरोध स्वरूप ये एक संयुक्त विरोध है, इसमें अभी आंदोलन तय नहीं हुआ है और जब भी आंदोलन तय होगा इसमें हम बाद में तय करेंगे, पहले हम शासन से चर्चा करेंगे उसके बाद ही कोई आंदोलन में हम भाग लेंगे। बिल्कुल सही बात है, अभी हमारी चर्चा हुई थी माननीय विधायक महोदय से जो अभी विधानसभा में बैठे हुए हैं, हमने बताया था, हम अवगत कराया इस स्थिति को कि 7 नंबर गेट पर इतनी विशाल आम सभा चल रही है और इस तरह की जो निर्मित आपके क्षेत्र में हो रहा है, ये जो ये उनसे वो भी वाकिफ है, उनके पास आंकड़े हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से आपकी बात करके आपके सभी संयुक्त संगठनों को समय देने के उन्होंने आश्वस्त किया है। अभी हमारे चैनल को इस समय हमारी बात चल रही थी उनसे आधे घंटे 5 मिनट पहले जब आपका धरना प्रदर्शन वहाँ पे चल रहा था, हमने उनको अवगत कराया इस स्थिति से। हम ये चाहेंगे कि आपकी जो बात है आप जो प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं, जो शासन को अवगत कराना चाहते हैं, संक्षिप्त रूप में आप जरूर कहें। हम हमारा ये पक्ष है कि कर्मचारियों को यदि पूरी सुविधा दी जाए, कोयला दिया जाए, कर्मचारियों की जो कमी है वो पूरी की जाए और जो इसमें सिस्टम में थोड़ा सा वाच किया जाए या इसकी जांच कराई जाए कि कहां ये गलती हुई है। शासन को हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो अभी 80-85% उत्पादन करने वाला पावर हाउस 50% पे उत्पादन कैसे आया, इसकी एक जांच होना चाहिए निष्पक्ष।